वेलकम बाय फ्रेंड्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले के जो पार्ट थे, सेट 1 था, उसमें भी हमने करंट अफेयर्स डाले थे, जनवरी के ही थे। वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी का हो या यूपीएससी का, फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्योंकि दोस्तों, बिहार सरकार बीपीएससी एग्जाम सब लेती है, तो उसमें 5 ऑप्शन डालती है। ऑप्शन नंबर ई का, जो कि हर एग्जाम में नहीं दिया जाता है, तो मैंने उसे बीपीएससी को लेकर के इस क्वेश्चन को, इस सेट को बनाया है। लेकिन फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स ही होता है, वो चाहे कोई सा भी हो, है ना, किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है। तो आप इस वीडियो का पॉज करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। किस सामान्य बीमा कंपनी ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ शीर्षक से एक अभियान शुरू किया है? विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च कंपेन टाइटल बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर बीमा कंपनी, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं हर बार सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, मैंने पहला क्वेश्चन था कि मैंने सारे ऑप्शंस को पढ़ दिया है। आप वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और खुद से सारे ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है गांधी का हत्यारा, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी थी? 5 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। राइट आंसर होगा सेकंड का ऑप्शन नंबर बी, धीरेन्द्र झा। ऑप्शन नंबर बी, धीरेन्द्र झा। ठीक है, धीरेन्द्र झा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पीएम मोदी ने किस तारीख को वीर बाल दिवस घोषित किया है? मतलब पहले वीर बाल दिवस नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब जो है 2022 से ये मनाया जाएगा। वो किस तारीख को मनाया जाएगा दोस्तों? तो फ्रेंड्स, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 दिसंबर। ठीक है, हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये घोषणा की है पीएम मोदी ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चुनाव आयोग ने गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, इस टाइम बताना फ्रेंड्स कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है अभी करेंट में? ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले कौन थे, इसके पहले सिवान जी थे। ठीक है, तो उनका चेंजेस हो गया है, वो चेंज हो गए हैं, तो अभी कौन है फ्रेंड्स? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील चंद्र। सुशील चंद्र ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का ये सवाल, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। न्यायमूर्ति आयशा मलिक किस देश की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस आयशा मलिक हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ विच कंट्री? अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, या फिर इनसे कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों, 5th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो एक्चुअली होना चाहिए वो होना चाहिए पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अभी इस ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पाकिस्तान की है आयशा मलिक, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली महिला है जो कि सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी है। कहाँ के सर्वोच्च न्यायालय? पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली लेडीज जज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 को जीता है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते की शक्ति, द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग इस क्या फिर क्या मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। ठीक है, इस फिल्म को नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ओमाइक्रॉन प्रकार के कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट को मंजूरी दी है, जो ओमिक्रॉन है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत होगी, ओमिक्रॉन, इसकी जो टेस्टिंग के लिए जो किट दी है, ठीक है, वो कंपनी कौन सी है? सीरम विज्ञान संस्थान, भारत बायोटेक, सीमेंस हेल्थ केयर, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक, या फिर ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, 7th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक को ये मंजूरी मिली है, ठीक है ना दोस्तों। किसके लिए? ओमिक्रॉन के जो कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ठीक है, उसके परीक्षण के लिए जो किट की मंजूरी दी गई है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक को। नेक्स्ट है, खादी ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में भारत की पहली मोबाइल शहद प्रसंस्करण वैन कहाँ पर लॉन्च की है? लखनऊ, भोपाल, गाजियाबाद, जयपुर या फिर ऑप्शन नंबर ई। फ्रेंड्स, एट्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 8 जनवरी, 7 जनवरी की ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जनवरी को, ठीक है। हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चंस नहीं है। रतन टाटा की अधिकृत जीवनी रतन ए टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू, प्रमोद विल्सन, योगेंद्र नारायण, अश्वनी वैष्णव या फिर ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मैथ्यू, ठीक है, थॉमस मैथ्यू है, ठीक है। इन्होंने लिखा है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ठीक है, ये क्या है, उनकी बायोग्राफी है रतन टाटा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है इसका? 5 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11th का ऑप्शन नंबर ए, युवा उत्सव नए भारत का, युवा उत्सव नए भारत का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीम आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा एग्जाम में थीम पूछा जाता है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है नेशनल यूथ डे 2022 की थीम क्या है, तो युवा उत्सव नए भारत का, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसे भारत के किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जानवी कपूर, सारा अली खान, हर्षाली मल्होत्रा, नोरा फतेही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 12th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षाली मल्होत्रा, हर्षाली मल्होत्रा, इन्हें मिला है भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार। ये कौन है दोस्तों? तो ये वही है फ्रेंड्स जो सलमान खान की मूवी में आए थे, एक उस मूवी का आपको नाम याद होगा फ्रेंड्स, उसमें एक छोटे से बच्ची का रोल किया गया था, वो बच्ची थी हर्षाली मल्होत्रा, ठीक है। कौन सी मूवी थी फ्रेंड्स? बजरंगी भाईजान, ठीक है, याद है आपको, बजरंगी भाईजान की जो छोटी सी बच्ची थी जिसे पहुंचाने के लिए सल्लू भाई पाकिस्तान चले गए थे उसके घर पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो वो छोटी बच्ची थी, उस बच्ची को अब बड़ी हो चुकी है और उसे 12वें भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, आईपीएल 2022 मेगा नीलामी कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? पुणे, न्यू दिल्ली, कोच्चि, बेंगलोर या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र नामक योजना शुरू की है? कौन सी योजना है? श्रमिक मित्र नामक योजना किसने किया है? यूपी ने, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गोवा या फिर ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों 14th का आंसर आपको बताना है, आप वीडियो का पॉज करके ऑप्शंस को बता सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ करके। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 14th का ऑप्शन नंबर ई। फ्रेंड्स ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल ही गलत हैं, सारे सारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो दिल्ली फ्रेंड्स इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज ऑथर्ड द बुक नेहरू द डिबेट एंड डिबेट दैट डिफाइन इंडिया। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, पांचवा ऑप्शन नंबर ई, 15th का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखने वाले दो हैं, एक है आपको त्रिपुरा धर्म दवन सिंह और एक है आदिल हुसैन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन इसके सही है, यानी कि त्रिपुरा दमन सिंह भी हैं और आदिल हुसैन भी हैं, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है, तो
उस बुक का नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में त्रिपुरा दमन सिंह लिखा हो तो वो आंसर सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आदिल हुसैन लिखा हो तो भी आंसर सही होगा। अगर दोनों लिखा हो तब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी या फिर डी में ए एंड बी दोनों बोथ करके भी ऑप्शन लिखा जा सकता है, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गूगल और किस बैंक ने बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए करार किया है? गूगल एंड विच बैंक हैव टाइड अप टू बूस्ट द बैंक कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी। पांच ऑप्शंस में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आरबीएल बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है? ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग अ लॉ रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग। पांच ऑप्शन में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश ने इस तरह का कानून लाया है। अगला सवाल देखते हैं, सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? ठीक है, सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी, 15 जनवरी, 13 जनवरी या फिर 12 जनवरी को। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जनवरी को। ठीक है, 14 जनवरी को ये मनाया जा चुका है, हम लोगों ने मकर संक्रांति का पर्व मनाया था फ्रेंड्स, और 14 जनवरी को सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। किस ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य से उसके सभी शाही संरक्षण और सैन्य उपाधियां छीन ली गई हैं? प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस एंड्रयू, प्रिंस विलियम या प्रिंस हेनरी या फिर ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंस एंड्रयू। ठीक है, प्रिंस एंड्रयू, ठीक है ना, इनके सारी शक्तियां जी थी, जितनी भी इनके संरक्षण थे, शक्तियां थी, उपाधियां थी, वो सारे इनके छीन चुके हैं। ये कौन दोस्तों? ये ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य, यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है उनके ये तीसरे पुत्र हैं शायद। ठीक है, तो इनकी सारी जो है तीसरे या दूसरे पुत्र हैं उनकी, इनकी सारी जो है शक्तियां छीन ली गई हैं, प्रिंस एंड्रयू। ओके, अगला देखते हैं, के सिवान की जगह लेने के लिए इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत कुमार मोहंती, एस सोमनाथ, जी माधवन नायर, उडुपी रामचंद्र राव या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत में हर साल किस तारीख को सेना दिवस मनाया जाता है? सेना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 13 जनवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। हर साल 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इस बार 2022 में जो सेना दिवस मनाया गया था वो कौन सा सेना दिवस मनाया गया था दोस्तों? 73वां, 74वां, 75वां, इस तरह के भी ऑप्शन, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको देना होगा अगर, तो ये कह सकते हैं कि 74th था दोस्तों, है ना, 74th ये था आर्मी डे जो कि 15 जनवरी 2022 को मनाया गया था। अगला सवाल है, खादी के कपड़े से बने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज, स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज को भव्य सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कहाँ रखा गया था? वेयर डिड द मोमेंटल नेशनल फ्लैग, द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी फैब्रिक पुट टू अ ग्रैंड पब्लिक डिस्प्ले, कहाँ पे दोस्तों? लेह में, हिंडन, जैसलमेर, मुंबई या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। तो जैसलमेर में जो इंडिया पाक बॉर्डर है वहां पे ये झंडा लहराया गया था जो कि प्योर खादी का था और विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज इसे कहते हैं, क्योंकि काफी इसकी जो, तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट में, अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं तो उस ध्वज की हाइट विड्थ कितनी है ये आप हमें लिख के बताएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कमेंट जरूर करेंगे और जरूर बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर ऑप्शन नंबर ई।
23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक फ्रेंड्स सबसे टॉप क्लास का निजी बैंक, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक पे सबसे पहले दोस्तों टॉप पे आईसीआईसीआई रहा करता था, लेकिन आज के डेट में एचडीएफसी बैंक टॉप पे है। ठीक है, इसे भी ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड भी मिला है 2021 में। अगला सवाल देखते हैं 24th को। इनमें से कौन सा नगर निगम व्हाट्सएप चैटबॉट व 80 से अधिक नागरिक आधारित सेवाओं के लिए दुनिया का एकमात्र नगर निगम बन गया है? एकमात्र एलएमसी, बीबीएमपी, बीएमसी, जीएचएमसी या फिर ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों 24th के क्वेश्चन को दोस्तों आप फिर से दोबारा पॉज कर जरूर पढ़ लेना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीएमसी, बृहत मुंबई म्यूनिसपैलिटी कॉरपोरेशन, बीएमसी। ठीक है, बीएमसी मुंबई का है दोस्तों। तो इसे फ्रेंड्स दुनिया का एकमात्र ऐसा नगर निगम बनाया जहाँ बन चुका है, जहाँ पे व्हाट्सएप चैटबॉट पर 80 से अधिक नागरिक आधारित सेवाएं दी जाती हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 को। दरवाजा गैस क्रेटर जिसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? रूस, यूएसए, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ना तो रूस है, ना ही यूएसए है, ना ही इंडोनेशिया है, ना ही पाकिस्तान आपका अफगानिस्तान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 25 का आंसर होगा ऑप्शन में से कोई नहीं, और अगर इसमें ऑप्शन दिया होता फ्रेंड्स तो वो होता तुर्कमिस्तान, तुर्कमिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर में है ना तुर्कमिस्तान, तो तुर्कमिस्तान दोस्तों है उसे गेटवे टू हेल में नर्क का दरवाजा कह सकते हैं। दरवाजा गैस गेटवे, ऑल्सो नोन एज द गेटवे ऑफ हेल, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये होगा दोस्तों तुर्कमिस्तान। ठीक है, तुर्कमिस्तान। अगला है, असम सरकार ने किस खिलाड़ी को डीएसपी नियुक्त किया है? वैसे प्लेयर का नाम बताना, जिसे असम गवर्नमेंट ने क्या नियुक्त किया है? डीएसपी, पुलिस विभाग में डीएसपी उसका पद मिला है उसे। पीवी सिंधु, अवनी लखेरा, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहीन या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवलीना बोरगोहीन। ठीक है, इसे असम गवर्नमेंट ने, एक ऐसे प्लेयर है दोस्तों जिन्हें असम गवर्नमेंट ने डीएसपी का पोस्ट दिया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27। 2023 में पहली बार विश्व बद्र T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इनमें से किस राज्य में आयोजित की जाएगी? विश्व बद्र T20 यानी कि जो बहरे लोग होते हैं उनमें T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों आयोजन? जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल या फिर हरियाणा। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, केरला। ओके, अगला देखते हैं। 2022 महिला हॉकी एशिया कप में भाग लेने वाली भारतीय महिला टीम के कप्तान के रूप में किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविता पुनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सविता पुनिया। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 2022 महिला हॉकी एशिया कप के किस देश में किया जाएगा? 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? म्यांमार, ओमान, इंडिया, थाईलैंड या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान। ठीक है, ओमान में खेला जाएगा। ओके, अगला है, एआई आधारित पेटेंट प्रणाली क्लियर वायंट का शुभारंभ क्या है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लेरिवोएंट क्लियर वायंट द एआई बेस्ड पेटेंटेड सिस्टम लॉन्च इन? मेरा क्रिप्टो करेंसी, वायु प्रदूषण से निपटना, जल शोधन, कीटाणु शोधन, इस तरह के ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, जल शोधन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यानी एआई आधारित पेटेंट प्रणाली जो क्लियर वायंट क्या नाम दिया गया है? ठीक है, ये किस लिए यूज होगा दोस्तों? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप जरूर लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे। पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में यूपीआई लेन देन राशि का सबसे बड़ा प्रेषक कौन सा बैंक था? क्वेश्चन को पॉज करके दोबारा से पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक।
ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, वीडियो को लाइक करते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मन खुश हो जाता है ना, कि चलो भाई मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो कुछ लोगों ने लाइक तो किया कम से कम। तो प्लीज आपसे लाइक जरूर करना दोस्तों, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सर्किल में, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके, उन्हें भी इसका फायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा लग रहा है बनकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।